नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के बारे में बात करेंगे। और यहां से रेलवे के एग्जाम में एक ना एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस बताया था, उसी पर आधारित ये अलग से टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो टाइप वाइज हम देखेंगे, हर एक टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को, क्लास नंबर 22। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि इससे टॉपिक के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, v इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम बताया था। v इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद इसी से क्या बन जाएगा, इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू में v इनटू में t बन जाएगा। और इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तीन फॉर्मूला बना लिया था हमने कल वाले क्लास में भी। उसके बाद मान लीजिए कि ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलता है, ये कैसा हो गया, सेम डायरेक्शन, तब उसमें क्या होता है वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी क्या होता है, मान लीजिए कि दो अलग अलग वेलोसिटी है एक्स और वाई, तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा तो घटेगा, वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए कि यही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, मतलब एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो वेलोसिटी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घटाया जाता है वेलोसिटी को, और अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। मान लीजिए कि एक डिस्टेंस ए दिया हुआ है, एक डिस्टेंस बी दिया हुआ है, तो दो डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अपोजिट हो या सेम हो उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और वेलोसिटी मैंने बता दिया कि अपोजिट में प्लस होता है और सेम में क्या होता है, माइनस होता है, और कुछ नहीं है। और केवल आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है कि जब आपके पास मान लीजिए कि आपको कन्वर्ट करना है, आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है, 5/18 से गुना करना होता है, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो 18/5 से क्या करना होता है, गुना करना होता है। ये 18/5 या 5/18 कैसे आए, यहाँ से समझते हैं। किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 और आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, दो जीरो से दो जीरो काटिएगा, 5 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यही आ जाता है क्या, 5/18। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। टाइप वन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताएं। तो यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। टाइप वन क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे मैंने लिखा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला गया है कि एक बिजली के खंभे को गति बताना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब 250 मीटर लंबा मतलब ट्रेन का लंबाई दे दीजिएगा, और बिजली के खंभे को जब पार करता है ना, तो सीधा क्या करेंगे, टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 250/15। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में आपको अगर ये क्या दिया हुआ है, मीटर पर, यहाँ देखिएगा 250 मीटर और ये सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 का 5 50 बार में कटेगा, 5 का 5 3 से कटेगा, 3 6 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और 5 दहाई के, मतलब जो हम लोग का वेलोसिटी निकल जाएगा, जो हम लोग को निकालना था वो कितना निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन की गति कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन कितना आसान है और कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, देखिए 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है,
बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो सेम क्वेश्चन है, बिजली के खंभे को पार करना है, कितने समय में पार करेगी, इस बार ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कितने समय में पार करेगी, क्वेश्चन नंबर टू यहां मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है। और 300 मीटर लंबा ट्रेन है, वेलोसिटी इस बार दिया हुआ है 60 दिया हुआ ना, 300 मीटर है। अब ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करना होगा, किसी एक को चेंज करना होगा, तो इसी को चेंज कर लेते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये भी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कीजिए, 5 बार में कट जाएगा, 5 से 5 बार में कटेगा, मतलब 18 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो जो समय लगेगा एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में, तो 18 सेकंड का समय लगेगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू भी कितना आसान है। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताए। इस बार आपको ट्रेन की लंबाई बताना है, ठीक है। तो तीनों टाइप का क्वेश्चन हो गया टाइप वन में, ध्यान से देखिएगा टाइप वन का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इस बार आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है। अब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है देखिएगा, तो वेलोसिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर 40 सेकंड। तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले 5/18 से गुना कीजिए, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए, और गुना में उसके बाद टाइम कितना दिया, 40 सेकंड दिया, उसको लिख दीजिए। 18 दुना क्या होता है, 36 होता है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 400 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 400 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, ब्रिज को नहीं क्रॉस करता है, बिजली के खंभे को पार करता है। ब्रिज को भी जब क्रॉस करेगा तो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, वहां भी हम आसानी से बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप टू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा टाइप टू क्वेश्चन नंबर चार, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर चार में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार में क्या पूछा गया। 160 मीटर लंबे ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। मतलब डिस्टेंस से यहाँ क्या हो जाएगा, 160 मीटर लंबा ये ट्रेन का लंबाई हो गया, और जो ब्रिज है उसका भी लंबाई को ऐड करते हैं। मैंने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ट्रेन क्या करता है, ट्रेन का लंबाई प्लस में ब्रिज आने वाला उसको भी क्रॉस करने वाला, तो दोनों लंबाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही जब पॉल को पार करेगा तो केवल ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो जैसे पहला टाइप में था, अब दूसरे टाइप में ब्रिज भी आ गया। तो यहाँ पे ब्रिज का लंबाई कितना दिया है, ध्यान से देखिए, 200 मीटर लंबा एक ब्रिज है, तो 200 क्या कीजिए, ट्रेन की लंबाई में ऐड किए, तो टोटल लंबाई कितना आ जाएगा, 360। मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करेगा, उस चीज को लिखा हमने। उसके बाद अब हम लोग को क्या निकालना है क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग को निकालना है कि कितने समय में पार करेगी। मतलब टी इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस हो गया 360 और वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी देखिए तो जल्दी से 54 किलोमीटर पर आवर, 54 गुना में 5/18 हो जाएगा, 18 तिया हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 360 हो जाएगा, 360 अपॉन में 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 अपॉन में 15 हो जाएगा, 15 का 15 हो जाएगा, 15 दुना 30 हो जाएगा, 15 चौके, मतलब 24 आ जाएगा यहाँ पे 24 सेकंड, मतलब टाइम कितना आ जाएगा, 24 सेकंड। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांच से दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टाइप थ्री, 150 मीटर लंबे एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो गति बताना है ट्रेन की। तो डिस्टेंस पहले देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 मीटर तो ट्रेन का लंबाई है, प्लस में 450 मीटर क्या हो जाएगा, जो प्लेटफॉर्म है उसका लंबाई है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 600 मीटर जो ट्रेन कवर करेगा, अपना लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई। अब यहाँ देखिएगा टाइम कितना दे रहा है, दिया जा रहा है टाइम, दिया जा रहा है 20 सेकंड, टाइम कितना दिया जा रहा है 20 सेकंड। तो यहाँ तक समझ में आ गया, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस से वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ कितना है, 600 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 से 10, अब यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो ये 30 मीटर पर सेकंड, बट आपका आंसर 30 मीटर पर सेकंड आएगा नहीं, तो इसको क्या कीजिएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6 बार में कट गया, 18/6 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन गति कर रहा है। मतलब वेलोसिटी कितना हो गया ट्रेन का, 108 किलोमीटर पर आवर।
तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स को। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा गया है, टाइप भी चेंज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का, टाइप फोर हो जाएगा। देखिएगा लिखा गया है कि टाइप फोर में कि एक कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वन इक्वल टू में वेलोसिटी टू इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का गति दो जगह है, एक तो बिजली का खंभे को पार करने में, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ट्रेन का जो वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, वो सेम होगा, ठीक है। अब देखिएगा बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, तो बिजली के खंभे को मान लीजिए, तो ट्रेन का लंबाई एक्स मान लिए, क्योंकि ट्रेन का लंबाई निकालना है शायद, ट्रेन की लंबाई और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो टाइम कितना दिया, 12 सेकंड। और यहाँ प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करता है, 150 मीटर। प्लेटफॉर्म को मतलब एक्स प्लस में 150 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। और कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पार करता है, 6 से 6 दुना 6 से 6 तिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग, तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू में 300 आ जाएगा। 300 मीटर लंबा ये क्या है, ट्रेन है, 300 मीटर लंबा ये ट्रेन है। तो देखिए कितने आसानी से हमने आंसर निकाल लिया, ट्रेन की लंबाई निकाल लिया। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात, टाइप फाइव। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई सेम, यही क्वेश्चन है। यहाँ भी ट्रेन की लंबाई सेम एक्स मानेंगे, तो वी वन इक्वल टू में वी टू हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों जगह मतलब एक जगह के प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक जगह ब्रिज को पार करती है। तो क्वेश्चन नंबर सात देखिएगा, वेलोसिटी वन इक्वल टू में वेलोसिटी टू सेम वैसे ही बनाएंगे, और ट्रेन की लंबाई एक्स मान लीजिए, एक्स प्लस में 100, ब्रिज की लंबाई बटे में जो टाइम लगता है, टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड। तो बटे में 15 सेकेंड इक्वल टू में यहाँ एक्स प्लस में ब्रिज का लंबाई देखिए, ब्रिज प्लेटफॉर्म का लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, 150 बटे में कितना सेकंड लगता है, टाइम देखिएगा 18 सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है ना, 18 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, 18 सेकंड बटे में 18 सेकंड। अब 3 से 3 पचे 3 से 3 छके, ये छोटा हो गया। अब गुना करना आसान है, तो यहाँ से गुना कीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे करके, तो 6x हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, प्लस में ये 5x हो जाएगा, प्लस में ये 750 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये और ये घटेगा, मतलब x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा, जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो 150 मीटर। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सात को भी हमने कितने आसानी से बनाया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप सिक्स है क्वेश्चन नंबर एट को। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति निकालना है, मतलब दूसरी ट्रेन की गति आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालिए, मैंने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो पहले ट्रेन का लंबाई 90 और दूसरे ट्रेन का लंबाई 120 है, टोटल हो जाएगा 210 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 210 मीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन, टाइम यहाँ दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 63 सेकेंड है। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 63 सेकेंड। और वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि उसी दिशा में बोला गया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों वेलोसिटी को घटाएंगे, बट एक वेलोसिटी हम लोग के पास दिया हुआ है 54, दूसरा नहीं दिया है, तो दूसरा को एक्स मानेंगे, दूसरा हम लोग को निकालना है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को आ गया होगा समझ में। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो ये तो पता ही है आप लोगों को कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या हो गया, 54 माइनस में x है, यहाँ तक दिख रहा होगा, 54 माइनस में x है, गुना में 5/18, यही होता है ना, अभी हम लोग के बताए थे शुरुआत में कि 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ भी मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, 210 बटे में 63 हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल आउट कीजिए, तो 21 दिया और 21 दहाई के 5 दुना 5 दुना 10 होता है, ठीक है। अब ये कटेगा, अब ये कटेगा, हाँ 3 से 3 छक्के हो जाएगा,
मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बाई क्रॉस अब हो जाएगा ना, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 माइनस में एक्स है, और ये 6 नीचे यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को समझ में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा और आगे तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में 42 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला 54 किलोमीटर पर आवर था, अभी क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। आप लोग को नहीं शो कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे तो दिखेगा आप लोग को। यहाँ पे x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी आप लोगों को शायद दिख रहा होगा 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि 54 किलोमीटर में दिया था, तो ये भी आपका आंसर क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने देख लिया 8 है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति फिर से निकालना। मतलब सेम क्वेश्चन है, बट इस बार क्या दिया, अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक ऐसे जाता है एक ऐसे आता है, मतलब एक जा रहा है एक आ रहा है। अब वेलोसिटी, यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा डिस्टेंस लिखा है 100 मीटर लंबी ट्रेन, क्या लिखा हुआ है, 100 मीटर लंबी ट्रेन, और दूसरी का 120 है, 100 प्लस में 120 हो जाएगा, 100 प्लस में क्या हो जाएगा 120, मतलब ये हो जाएगा 220 है, 220 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइम के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे 6 सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम जो लिखा हुआ है 6 सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हमने लिख लिया, टाइम 6 सेकंड, डिस्टेंस आपका कितना निकल गया, डिस्टेंस आपका 220 मीटर निकल गया। अब देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी अपोजिट है तो प्लस होगा, वेलोसिटी एक का हमें नहीं पता है, एक का पता है, तो 50 प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 50 प्लस में एक्स है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही बचा हुआ है, v इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, v इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे v का वैल्यू पुट कीजिए तो v का वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस में x गुना में क्या हो जाएगा, 5/18 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5/18 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 220/6 हो जाएगा, 220/6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसको कैंसिल आउट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा 5 से काटिए तो 5 का 5, 5 6 44 बार में कटना चाहिए, 6 तिया हो जाएगा, 6 तिया हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 50 प्लस में एक्स का वैल्यू निकाले तो 132 निकल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 132 निकल गया। अब 132 में से क्या जाएगा, ये घटेगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर, कितना निकल जाएगा 82 किलोमीटर पर आवर। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया इस टाइप में। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नहीं टाइप 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा, वैसा ही क्वेश्चन होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है। मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट आपको इस बार क्या करना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, वेलोसिटी निकालना था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो किसी भी ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 300 प्लस में एक्स, पहली ट्रेन प्लस में दूसरी ट्रेन हो जाएगा, और ये मीटर में हो जाएगा। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है, टाइम यहाँ 120 मिनट ही दिया हुआ है, टाइम यहाँ कितना दिया है, 120 मिनट ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको सेकेंड में जरूरत होगा तो चेंज करेंगे हम लोग, अभी फिलहाल रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी क्या करेंगे, वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। मतलब नहीं, यहाँ देखना है सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, तो देखिएगा उसी दिशा में, मतलब यहाँ पे क्या क्या आ जा रहा है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। तो ज्यादा में से कम को घटा दीजिएगा, 90 में से 60 को घटा दीजिए, क्योंकि पहला ट्रेन का वेलोसिटी 90 है, दूसरा ट्रेन का वेलोसिटी 60 है, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 से
किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अब वही फॉर्मूला हम लोग के पास है, हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू में क्या, नहीं हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी इंटू में टाइम होता है, यही तो होता है डिस्टेंस इक्वल टू में वेलोसिटी इंटू टाइम। अब यहाँ से डिस्टेंस को पुट कीजिए तो 300 प्लस में एक्स हो जाएगा डिस्टेंस से, और यहाँ पे वेलोसिटी को पुट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 30 से, ठीक है, 30 गुना में 120, 30 गुना में 120 है। अब एक काम करते हैं कि इस चीज़ को पहले तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 से गुना करना होगा। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है, 120 120 ठीक है, मीटर पर सेकंड 120। अब यहाँ पे ऐसे ही कैंसिल आउट करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 6 6 5 6 5 30, 6 तिया और 3 से ये 40 बार में कट जाएगा, 3 से ये 40 बार में कट गया, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बे और कटेगा ये, देखिए ये कितना आ जाएगा, 25, 25 गुना में 40, 25 चौके 100 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस में एक्स आ जाएगा, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया है, ये मिनट नहीं है ये सेकेंड हो गया, ठीक है, ये टाइम को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया हुआ है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड है कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 25 से गुना में 40 किया तो 1000 आ गया, 1000 आ जाएगा और 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 700, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 700 मीटर। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना आसान है और कितने आसानी से हमने बना लिया, केवल एक ही कॉन्सेप्ट हमारे पास था, फॉर्मूला था और कुछ कॉन्सेप्ट था, उसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना लिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पे अपोजिट ही दिया होगा तो भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 112 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से, दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 108 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, मतलब यहाँ पे टाइम निकालना है, ठीक है, पहले हमें डिस्टेंस निकालना था, अब यहाँ पे टाइम निकालना है। तो जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले तो वेलोसिटी का काम करते हैं खत्म, यहाँ पे देखना है सेम डायरेक्शन में या विपरीत। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है विपरीत, मतलब अपोजिट है, अपोजिट में क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ वेलोसिटी कितना लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 प्लस में 45 मतलब हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया होगा, एक तो मुझे दिख रहा है जहां तक है 112 और एक 108 दिख रहा है, 112 प्लस में 108 ये ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करके कितना आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू में 220 आना चाहिए, 220 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस निकल गया। अब टाइम इज इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है। अब टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 220 बाई 72 और मीटर पर सेकेंड 5/18, 18 चौके 72 और ये 44 बार में और ये 11 बार में, मतलब यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो 11 सेकेंड निकल जाएगा। तो 11 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 भी दोस्तों बहुत ज्यादा आसान था, काफी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी बना लिया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 12 को, ध्यान से देखिएगा टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि ट्रेन ए तथा ट्रेन बी की लंबाई 225 और 250 मीटर है, ठीक है, यदि चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन ए में बैठे हुए व्यक्ति ट्रेन बी कितने समय में पार करेगा। ट्रेन ए में व्यक्ति बैठा हुआ है, ट्रेन बी उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यदि दोनों विपरीत दिशा में हो तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि विपरीत दिशा में है तो वेलोसिटी तो कुछ भी हो जाए वो ऐड होगा, जब विपरीत दिशा में है तो वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगा, वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 54 प्लस में 36 दिया है, कितना दिया, 54 प्लस में 36 दिया है, ये टोटल कितना हो जाएगा,
ये टोटल हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा 90 हो जाना चाहिए। आप इसको मीटर पर सेकंड में अभी कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 से गुना करके 18 पचे हो जाएगा, मतलब 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये ट्रेन चलता है, यहाँ तक तो हमने किया। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे जो ट्रेन बी में जो व्यक्ति 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 बैठा हुआ है ट्रेन ए में, तो ट्रेन ए में बैठा है तो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है ट्रेन बी, तो ट्रेन बी का ही केवल लंबाई लेंगे ना कि ट्रेन ए का, क्योंकि ट्रेन बी में व्यक्ति बैठा है इसलिए ट्रेन ए को नहीं लेंगे। ट्रेन ए में व्यक्ति बैठा हुआ है इसलिए ट्रेन ए के लंबाई को नहीं ऐड करेंगे, केवल हम ट्रेन बी के लंबाई को लेंगे। अब यहाँ कितने समय में पार करेगा, तो टाइम आपको बोला निकालने के लिए, तो टाइम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है 250 मीटर और वेलोसिटी कितना है यहाँ 25 मीटर पर सेकंड, ये कन्वर्ट किया हुआ है 10 सेकंड में ये आदमी को ट्रेन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, टाइप 8 है, क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 8, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, टाइप 9, यहाँ चेंज हो गया टाइप पे, ध्यान से देखिएगा टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर, मतलब अपनी ही दिशा मतलब सेम दिशा में होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 25 और 27 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति निकालिए। देखिए देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हमको क्या करना है, ट्रेन की गति निकालना है, और जो यहाँ पे अगर फिगर बनाना चाहे तो ट्रेन ऐसे जा रहा है, व्यक्ति ऐसे जा रहा है और दूसरा व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ठीक है, और तीनों का गति दिया हुआ है, हम लोग को ट्रेन का गति निकालना है। ट्रेन का गति मान लीजिए एक्स है, अब एक चीज आपको पता है कि ट्रेन का गति एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, डी वन इक्वल टू में डी टू हो जाएगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो बी वन टी वन इक्वल टू में बी टू और टी टू, बस इसमें पुट कीजिए। तो बी वन कितना है देखिए, तो एक्स माइनस में कितना हो जाएगा, पहला व्यक्ति देखिए 6 सेकेंड, पहला व्यक्ति 6 सेकेंड और कुछ दिया हुआ है 25 सेकेंड, पहले व्यक्ति के लिए 25 सेकेंड का समय लगता है। दूसरा व्यक्ति देखेंगे तो x माइनस में कितना हो जाएगा 10 सेकंड, दूसरा व्यक्ति के लिए 10 सेकंड और इसको 27 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, 10 सेकंड 27 सेकंड ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बस इनको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आने वाला है, इसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। तो 25x हो जाएगा और यहाँ पे 150 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा और यहाँ पे 270 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ काटिएगा तो 60 आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू में 60, x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, केवल आप लोगों को पता होना चाहिए था कि क्या अप्रोच होना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 10, पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूँ उसके बाद मैं क्वेश्चन को बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 125 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को कितने समय में पार करेगी। तो लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखना है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आदमी को क्रॉस करता है या पॉल को क्रॉस करता है, तो हम केवल ट्रेन की लंबाई को लेंगे जिसका लंबाई कितना है 125 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब वेलोसिटी निकालना है, उसी दिशा में बोला गया, मतलब ऐसे जा रहा है ना आदमी और ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा घटेगा। तो ट्रेन का वेलोसिटी है 36 और आदमी का वेलोसिटी है 36, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इन दोनों का सिंगल वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी। अब देखिएगा यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू में क्या होता है, सभी को पता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है, और डिस्टेंस कितना दिया है 125/30 दिया है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 125/30 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो 5/18 से गुना करेंगे क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इसको काटिए, 5 6 25 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 25 गुना में 18 25 गुना में 18/30 ऐसा लिख सकते हैं इसको,
कैंसिल आउट करने में आसानी होगा, 5 5 5 6 और यहाँ 3 बार में, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15, 15 आ जाएगा, 15 सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आसानी से आप इस सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 53 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है, ठीक है, विपरीत दिशा में चलते हुए, मतलब यहाँ ध्यान देना अपोजिट है यहाँ पे, तो वेलोसिटी प्लस होगा और डिस्टेंस आपका क्या होगा प्लस होता है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ डिस्टेंस प्लस होगा क्योंकि आदमी को क्रॉस करता है, तो केवल ट्रेन का लंबाई को ले लेंगे, तो 100 मीटर लंबा ट्रेन है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी दिया हुआ है, आदमी की गति नहीं दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ट्रेन का दिया है, तो 53 प्लस में एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो 53 प्लस में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से देखिएगा, विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार करता है, 6 सेकंड में पार करता है, तो आदमी की गति क्या होगी ये आपको निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, विपरीत दिशा बोला गया ना क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिए, विपरीत दिशा ही बोला गया, तो विपरीत दिशा में क्या होता है वेलोसिटी मैंने बताया कि प्लस होता है, विपरीत दिशा में वेलोसिटी प्लस होता है, और टाइम यहाँ कितना लगता है 6 सेकंड लगता है, यहाँ टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सेम दिशा होता तो माइनस होता है, विपरीत दिशा होगा तो प्लस होगा। अब यहाँ टाइम इज इक्वल, हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए वी इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, वी इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वी कितना है 53 है, 53 प्लस में एक्स हो जाएगा, 53 प्लस में एक्स है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे में 6 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ तो हमें मल्टीप्लाई करना था, इसको चेंज करना था मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करना था, बट ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, तो 6 तिया हो जाएगा, 6 तिया हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 5 हो जाएगा। आदमी की गति पूछा है ना हम लोग से, क्या पूछा, आदमी की गति पूछा है, तो देखते हैं 20 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 प्लस में एक्स हो जाएगा, 53 प्लस में एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, आदमी का गति क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और काफी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मैं पहले बोलता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा गया है कि रेलगाड़ी ए मुंबई सेंट्रल से लखनऊ 11 बजे प्रातः 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटती है, रेलगाड़ी बी मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए उसी मार्ग से उसी दिन 2 बजे दोपहर में 2 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटती है, तो किस समय में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेगी, मतलब वो टाइम निकालना है। अब जाहिर से बात है एक ट्रेन का स्पीड कम है, एक ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में दूसरा जो ट्रेन होगा वो कैच करेगा पहला ट्रेन को, ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब 11 AM से लेके 2 PM तक कितना घंटा होता है, 3 घंटा होता है, और इस 3 घंटे में जो ट्रेन ए है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 3 गुना में 60 किलोमीटर, मतलब 180 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले से कवर कर चुका है जब तक वो ट्रेन निकलता है, ठीक है ना, उससे पहले 180 किलोमीटर का दूरी तय कर चुका है। अब सेम दिशा में उसी दिशा में ऐसे जा रहा है ना, तो वेलोसिटी को क्या करेंगे घटाएंगे, 72 में से क्या करेंगे 60 को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ये काम हम लोग करेंगे क्योंकि सेम दिशा में उसी दिशा में निकला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है कितने टाइम में वो कैच करेगा, तो टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 180 और वेलोसिटी घटा के आ गया 5 12, अब ये 15 बार में कटेगा, मतलब जो आपका टाइम निकालना था वो 15 आवर निकल जाएगा, 15 आवर टाइम निकल जाएगा। अब टाइम पूछा है कि कितने बजे कैच करेगा, तो 2 बजे ये तो चलता है, 2 बजे में 12 घंटा ऐड कीजिएगा तो रात का 2 बजेगा, रात का 2 बजेगा, ठीक है ना, दो ये 15 घंटे हो जाएगा, 15 घंटे में कैच करेगा, मतलब 2 बजे के बाद 15 घंटे ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14 आवर, दो दिन का 2 बजे को क्या बोलेंगे 14 आवर बोलेंगे, ठीक है ना, 14 आवर।
और प्लस में 15 आवर मतलब 29 आवर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24 आवर प्लस में 5 आवर। 24 आवर मतलब रात का 12 बज गया और 5 आवर मतलब सुबह का 5, मतलब 5 AM पर ये ट्रेन क्या करेंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे 5 AM पे सुबह के 5 बजे। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है और कितने आसानी से हमने बना लिया। अब दोस्तों हम लोग टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए से बी के बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ए से बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी स्मॉल ए मान लेते हैं। दो स्टेशन के बीच की दूरी ए से बी है जिसकी दूरी 220 किलोमीटर है, मतलब स्मॉल ए का जो वैल्यू है ना वो 220 मीटर है, ठीक है, मीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और आधे घंटे के बाद अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। उस बिंदु जहां दोनों रेलगाड़ी मिलती है कि ए से दूरी क्या होगी, ये आपको निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे मिलता है तो ए से दूरी निकालना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं डिस्टेंस का लिखाता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू में एक्स इंटू में, एक्स हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वाई हो गया फाइनल वेलोसिटी, वाई इंटू में टाइम जो लगता है, प्लस में ए हो जाएगा बटे में एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए, आपका जो भी चीज आपको निकालना है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ 80, ठीक है, इनिशियल 80 दिया हुआ है। और यहाँ पे वाई का वैल्यू 100 दिया हुआ है। टाइम यहाँ कितना लगता है, टाइम देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है आधा घंटा, मतलब आधा घंटा मतलब 1/2 होता है, ठीक है, आधा घंटा लगता है, आधे घंटे बाद वो निकलता है। अब प्लस में जो ए से बी तक की दूरी है ना वो लिखेंगे 220 मीटर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्स प्लस में वाई, मतलब एक्स प्लस में वाई का मतलब क्या हो जाएगा, 80 प्लस में 100 हो जाएगा, 80 प्लस में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये कटेगा 50 बार में कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ही लिखते हैं 80 गुना में कितना हो जाएगा, 50 प्लस में 220 मतलब 270 होना चाहिए, अपॉन में क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 तिया हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस हम लोग को निकालना था, डी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 40 तिया 120 है, 40 तिया 120 से किलोमीटर हो जाएगा, मतलब ए से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी आसान तरीके से हमने बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 लिख देता हूँ पहले, और क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा टाइप 13 क्वेश्चन नंबर 18, दो रेलगाड़ी एक के दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को यह पता है कि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर लिया, ठीक है। यदि दोनों ट्रेन की चाल क्रमशः 36 और 54 है, ये ध्यान दीजिएगा एक ही दिशा में 36 और 54 है, तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है, देखिएगा वेलोसिटी आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी 36 प्लस में 36, ये अपोजिट है या सेम है, अपोजिट होगा तभी तो क्रॉस करेगा, अपोजिट है, ऐसे लिखा होगा देखिएगा क्वेश्चन में, एक दूसरे के अपोजिट है ये क्वेश्चन में कहीं पे लिखा होगा, विपरीत दिशा में लिखा हुआ है शुरुआत में। अब वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 36 प्लस में 54, मतलब 54 प्लस में 36 कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 हो जाएगा, मतलब काटिए तो ये 5 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 8 सेकंड में पार करती है, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था कि एक ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसको कैलकुलेट नहीं करते, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 25, टाइम कितना लगता है, 8 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करते हैं, तो 8 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 कितना होता है, 200, 25 8 कितना होता है, 200 मीटर। तो देख सकते हैं कुछ नहीं किया हमने, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू में वेलोसिटी इंटू में टाइम, वेलोसिटी हमने निकाला, टाइम पहले से 8 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन नंबर 18 आसानी से बन गया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, दो रेलगाड़ी जिसकी चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में चल रही है, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को पता है कि उससे तेज चलने वाली रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार करती है, यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही होती हो तो
तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक ही दिशा में चल रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 45 माइनस में 27 हो जाएगा, घटेगा। एक ही दिशा में क्या होता है, घटाया जाता है, ये मैंने बताया आप लोग को। तो ये आ जाएगा 18, ठीक है 18 आ जाएगा। अब इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5/18 से गुना कर दिए, ये कट गया मतलब 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना 20 सेकंड में पार करता है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, 20 सेकंड में पार करता है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले तो 5 × 20 हो जाएगा, 5 × 20 मतलब है 100 मीटर ये डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है। तो ये चीज हमने निकाल लिया। अब दूसरी ट्रेन की लंबाई हम लोग को नहीं पता है, ये पहली ट्रेन की लंबाई निकल गया, दूसरी ट्रेन की लंबाई हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो 100 + x हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है दोनों ट्रेन का एड किया जाता है, और 100 + x हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया। और अपोजिट अगर होगा, दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, नीचे देखिएगा तो एक कंडीशन ये भी लिखा है कि अपोजिट होगा तो 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27 + 45 हो जाएगा, 27 + 45 हो जाएगा, और गुना में हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। ये तो वेलोसिटी हो गया, उसके बाद टाइम लगता है 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो 18 से 18 को कैंसिल आउट किया हमने। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 100 + x हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा, और यहाँ पे 72/5 कितना हो जाएगा, 72 × 5, तो 72/5 कितना होगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 360 हो जाएगा 72/5, मतलब x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 260 हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 260 मीटर लंबा ट्रेन है दूसरा वाला। ठीक है, तो जो भी आंसर पूछा वो हमने आसानी से निकाल लिया, केवल आपको क्या करना होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए थे एक ही क्वेश्चन में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं, टाइप 14 को बनाते हैं, ठीक है ना, टाइप 14 क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है कि दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 7:9 है। ठीक है, चाल दिया हुआ है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, बहुत अच्छा जोड़ना है इन दोनों को, वेलोसिटी को। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लिया जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे टाइम निकालना है। तो देखिए मैं सबसे बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको, स्टेप से चाहे तो आप बना सकते हैं, मैंने स्टेप भी बताया हुआ है, तो उससे भी आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेलोसिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब 7 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी को तो हमने ऐड किया, डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो 7 × क्या हो जाएगा, 7 × पहला रेलगाड़ी 4 सेकंड, तो 7 × 4 + दूसरा रेलगाड़ी कितना लेता है, 6 सेकंड, 9 × 6 हो जाएगा, मतलब 28 + 54, 28 + 54 कितना होता है, 28 + 54 हो जाएगा 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। डिस्टेंस निकाल लिए, ये 82x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया है, रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, या फिर x लिखिए या नहीं लिखिए, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक काम कीजिए। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 82 दिया हुआ है और वेलोसिटी 16 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कट जाएगा तो 41 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 41/8 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा कितना, 5/1/8 सेकेंड निकल जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, नहीं तो पॉइंट में आंसर होगा, नहीं तो जैसा भी आंसर दिया होगा उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, कॉन्सेप्ट से ही बनाया, कोई भी ट्रिक यहाँ नहीं लगाया, और बिना ट्रिक के भी देख सकते हैं कितना छोटा क्वेश्चन ये बना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग के सामने है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 3:4 है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, 3:4 है, वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है, यदि प्रत्येक को एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है, एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड का समय लगता है प्रत्येक को, यहाँ दोनों को 6 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना, तो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो जो भी टाइम दिया है ना, बस उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, मतलब 6 सेकंड दिया है, 6 सेकंड को 2 से भागा कर दीजिएगा, आपका 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि दोनों को ट्रेन को एक ही समय लगता है, मतलब 6 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करता है, ठीक है? इसलिए हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया। तो देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमने तुरंत बना लिया और आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 22 को जल्दी से देखते हैं। दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः दिल्ली से पटना की ओर एवं पटना से दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 3 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है और पटना और दिल्ली क्रमशः पहुंच जाती है। यदि दिल्ली से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। ऐसा क्वेश्चन को बनाना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। V1 / V2 = √T2/T1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक ट्रेन ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम अगर निकाले तो यहाँ टाइम जो पहला लिखा हुआ है चार, कितना लिखा हुआ है, 3 घंटा 48 मिनट, वो डेटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 आवर 48 मिनट होगा। इसको 60 से भागा दे दीजिए तो 12 चौके हो जाएगा, 12 पच्चे हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 24/5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये टाइम टू निकाल लीजिए इसी तरह, 3 घंटे 20 मिनट है, 20 मिनट को 60 से भागा दे दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10/3 आवर आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कीजिए तो V1 कितना दिया है, 45 दिया है, V2 मान लीजिए x दिया हुआ है, और यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा, टाइम टू हो जाएगा 10/30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना में टाइम वन कितना हो जाएगा, 5 ऊपर 24 नीचे होगा, ठीक है? अब कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो भी काम चलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 गुना में 45 हो जाएगा, 45 गुना में 45 / x² हो जाएगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 50 गुना में 50 हो जाएगा, 50 गुना में 50 से, और नहीं 50 गुना में 50 नहीं, ये तो स्क्वायर रूट ही निकल जाएगा, 50/72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50/72 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब 5 से 5 दहाई के 5 से 9 बार में 5 से 9 बार में 5 से 2 बार में, और ये 36। तो बहुत अच्छा आ गया हम लोग के पास रिजल्ट है, मतलब x² = 9² * 36, 9² * 36 है, मतलब कि x का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इस चीज़ को ऊपर मैं लिखता हूँ, x² = 9² * 36 हो जाएगा, क्योंकि 9 2 बार लिखा हुआ है। अब अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 9 * 6, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे, वो सभी हमने सॉल्व कर लिया, काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व किया, टाइप वाइज हमने सॉल्व किया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और टोटल हमारे 40 क्लास का फुल कोर्स है, उसको जरूर आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर 40 के 40 क्लास आप देख लेते हैं तो मैथ्स में, रेलवे के मैथ्स में जीवन भर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी आसानी से आप 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में बना सकते हैं और 30 क्वेश्चन आप NTPC में बना सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम हर एक टाइप को कवर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ट्रिक भी बताता हूं मैं और कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बताता हूं। अपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।